ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मैं बात करता हूँ चाची जी। ऑल द बेस्ट। आपको लगता नहीं कि अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रुकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहाँ पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहाँ जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? जेठा भाई, चाचा जी, होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं, हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। मैंने एक अखबार में पढ़ा था हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी, उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे, तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है, तू पागल है। अरे मैं तो पागल नहीं हूँ, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई। जेठालाल, अरे हाँ बापू जी की हिचकी बंद हो गई। मजा आ गया, इसके बंद हो गए। बापू जी, मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटी है। अरे अरे नहीं नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवसर है, अवसर है बापू जी। इधर है मेहता साहब। बापू जी एक मिनट, आप बैठिए, आप बैठिए। मेहता साहब देखा कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा देखा बापू जी की हिचकी है क्या, बंद ही नहीं हो रही है, अब करे तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्या? चाचा जी को 100 से 1 तक की उल्टी गिनती करवाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने से चाचा जी का ध्यान हट सकता है, बंद हो जाएगी हिचकी। अच्छा हाँ, तो चले बापू जी उल्टी गिनती शुरू कीजिए। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बापू जी, तो आप सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। नहीं 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 जेठा भाई, गिनती चाचा जी को ही करनी पड़ेगी, हिचकी उनको आ रही है। चलेगा बापूजी, कोई बात नहीं चलेगा, आप सिर्फ सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। आइए मेहता साहब गिनिए। 100, 99, 98, 96। अरे जब मुझे पापा 97 बोले तो भूल गए। अरे तो मेहता साहब आप बोल देते हैं 97। मैं कैसे बोलता जेठालाल, बात उल्टी गिनती की हुई थी ना, तो मैंने बोला 98, अब तुमने 97 नहीं बोला और 96 बोल दिया, तो मुझे तो 95 बोलना पड़ता ना, वरना तो गिनती सीधी हो जाती ना। अरे तो आप 98 से वापस शुरू कर देते हैं। अरे पर लॉजिकली समझने की कोशिश करो। अरे चलने, अरे
97 98 99 100 बस। नहीं 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 चाचा जी, आपको उल्टी करनी है। नहीं मतलब गिनती उल्टी करनी है, 100 99 98। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया है, गिनती भी उल्टी नहीं करूंगा।